नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नव संवत्सर 2080, नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सभी साथियों को मेरी तरफ से हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई नवरात्र की आप लोगों को। हम आपको इस व्लॉग में इंग्लिश न्यू ईयर जो मनाया जाता है, और 1 जनवरी को जो मनाते हैं, वो कितना अनसाइंटिफिक है। संसार में ऐसा एक प्रचलन बन गया है कि वही नववर्ष के रूप में माना जाता है। वो रहस्य हम आपको आज इस ब्लॉग में उजागर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं इस वीडियो में जो कि आप लोगों को शायद ना पता हो। तो उसका कंपेरिजन हिंदू नववर्ष का वैज्ञानिक है। इसके भारत बारे के में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई का जन्मदिन ईसवी सन के हिसाब से मनाया जाता था। वो अपना जन्मदिन ईसवी सन के हिसाब से मनाते थे। उसके अनुसार उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। अब दोस्तों, आप ये जानते हैं कि 29 फरवरी 3 साल के बाद चौथे साल में, जिसको कि लीप ईयर बोला जाता है, उसमें वो 29 फरवरी दिन आता है। तो अपने जीवन के 60 जन्मदिन वो मना ही नहीं पाए, क्योंकि 29 फरवरी 3 साल के बाद आता था। तो ये मोरारजी देसाई के बारे में बड़ा ही रोचक प्रसंग है। दोस्तों, 3 साल तक तो साल को 365 दिन के हिसाब से 28 फरवरी तक माना जाता है, उसमें तारीख 28 फरवरी होती है। लेकिन चौथे साल उसको 29 फरवरी का महीना मान लिया जाता है और उसी को लीप ईयर कहते हैं। तो चौथा वर्ष जो होता है उसको लीप ईयर जो बोला जाता है, उसमें 366 दिन का वो साल मान लिया जाता है। जनरली किसी से भी पूछेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे तो कहेंगे, पूछिए तो साल में कितने दिन होते हैं, तो एक ही जवाब आता है कि 365 दिन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में जो पूरा फैक्ट है इसके बारे में, वो ये है कि साल में 365 दिन 5 घंटे 52 मिनट और 45 सेकंड की गणना होती है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। यानी 365 दिन 5 घंटे 52 मिनट और 45 सेकंड, ये पूरा टाइम होता है एक साल का। अब दोस्तों, 365 दिन को तो एक तरफ रखिए, और आगे के जो टाइम है 5 घंटे 52 मिनट 45 सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 24 घंटे बन जाएंगे? दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, एक दिन पूरा नहीं बनता है, उसमें 7.25 मिनट की कमी रह जाती है। दोस्तों, इस कंडीशन में तो हर 3 साल के बाद में जो 7.25 मिनट की चौथे साल कमी होती है, वो एक समय कमी होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो 366 दिन का वर्ष ना होकर के 365 दिन का ही फर्ज कर दिया जाएगा। इसी कारण ईसवी सन की गणना, इसी इंग्लिश कैलेंडर की गणना कभी आगे कभी पीछे होती रहती है। दोस्तों, मोरारजी देसाई जी के जीवन में 60 वर्ष, उनके जीवन में तो 29 फरवरी आई ही नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप में इस बात की बहुत दिनों तक चर्चा बहस होती रही कि नए साल को 31 दिसंबर माना जाए कि 1 जनवरी माना जाए कि 25 दिसंबर माना जाए। बहुत दिनों तक ये बहस होती रही, लेकिन बाद में जोर जबरदस्ती से 1 जनवरी को नया साल तय किया गया कि ये माना जाए। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, कोई उसका नेचुरल के साथ में कोई उसका जुड़ाव कनेक्ट नहीं था। नया साल होता है वो हर साल 1 जनवरी को, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, उसमें तो केवल ठंड ही होती है और ठंड ही हमेशा रहती है। नेचर के साथ उसका कोई भी मेलजोल नहीं था, ना कोई वैज्ञानिक उसका तथ्य था। जनवरी तो बिल्कुल ही 1 जनवरी तो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक थी। 25 दिसंबर तो ये मान सकते हैं कि ईसा मसीह जी का जन्मदिन था उस दिन, तो वो 25 दिसंबर को माना जा सकता था कि चलिए एक तो आधार है ही है उनका। लेकिन 1 जनवरी को तो कोई ऐसा फैक्ट नहीं था कि जिसको कि उसको 1 जनवरी से कुछ चेंज न्यू। दूसरी ओर हिंदू शक संवत संवत्सर की बात करें तो ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक बेस है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, चैत्र मास में। चैत्र
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इस दिन नई चेतना का विस्तार सब जगह देखने को मिलता है। नए पतझड़ के बाद में नए पत्तों का सृजन दिखाई देता है। प्रकृति में हर तरफ एक नई तरह की रौनक आ जाती है। मनुष्य के शरीर में नए रक्त का संचार होने लगता है। नया साल है तो कुछ नया महसूस भी होना चाहिए। मनुष्य का प्रकृति से तारतम्य दिखना भी चाहिए। इस दृष्टि से विक्रम संवत्सर पूरी तरीके से ऐतिहासिक है, धार्मिक है और साइंटिफिक है। इसलिए आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि अपने हिंदू नववर्ष को के बारे में ये वीडियो सब जगह जानकारी के तौर पे सब जगह शेयर करिए, और इसमें कोई भी आपको कमेंट हो तो वो जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सुनील एम ब्लॉग को। धन्यवाद एक बार फिर से। नवरात्र की आपको सभी लोगों को, परिवार को शुभकामनाएं। धन्यवाद।